Good morning to all. वर्ल्ड बायोलॉजी 95 पे आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. ये जो सीरीज है वह है आवर बायोलॉजिस्ट. इस सीरीज में हम इंडियन बायोलॉजिस्ट के बारे में जो है देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे. ये इंडियन जो है बायोलॉजिस्ट की सीरीज में जो पहला नाम है जिसको कि आज के लिए हमने लिया है, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है बीरबल साहनी, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी. बीरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी और इंडियन पैलियंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है. बीरबल साहनी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये जो यहां बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, वेल फेमस बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, हमने पूरा नाम अभी आपको नहीं बताया, हमने सिर्फ कॉमन नेम बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो कि लखनऊ में है. और ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है और इसकी स्थापना, इसका जो फाउंडेशन जो था वो बीरबल साहनी जी ने किया. बीरबल साहनी के बारे में हम बात करें उससे पहले एक बार फिर हमसे आपसे जो है कहना चाहेंगे कि अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को टच करें. बीरबल साहनी द फाउंडर ऑफ पैलियोबॉटनिकल रिसर्च इन इंडिया वाज अ ड्रीमर एंड ए विजनरी. ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ड्रीमर एंड विजनरी, जो किसी इंडिविजुअल को जो है किसी पर्टिकुलर फील्ड में पायनियर या लीडर बनाते हैं. ये ड्रीमर एंड विजनरी. He founded the Institute of Paleobotany at Lucknow. आज के समय में इसे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहा जाता है, इसलिए मैंने बोला वहां पे कि मैं पूरा नाम अभी आपको नहीं बता रहा. बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, उनके डेथ के बाद जो है इस पैलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट का नाम जो है दिया गया. साहनी जी जो थे वो एक ग्रेट टीचर थे. उनका यह मानना था कि टू बी ए गुड टीचर वन हैज टू बी ए गुड रिसर्चर, यानी एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जिसके अंदर एक अच्छा रिसर्चर मौजूद हो, एक खोजी इंसान मौजूद हो. वो एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर थे साइंस के किसी भी लेवल पे, चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो हायर एजुकेशन लेवल हो, चाहे वो साइंटिस्ट लेवल हो. अगर उनके बायोग्राफी और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो बीरबल साहनी जो है वो नवंबर 14 1891 को वेस्ट पंजाब के शाहपुर डिस्ट्रिक्ट के
बहरा गांव में जो है जन्मी। आज वो वेस्ट पंजाब का ये पार्ट जो है पाकिस्तान में, यानी अगर हम बात करें तो 14 नवंबर को जो है हम नेहरू जी के जो है जन्मदिन को भी मनाते हैं बाल दिवस के रूप में। सानी जी भी उसी दिन जन्म लिए। साहनी जी के जो एंसेस्टर थे वो बहरा से डेरा इस्माइल खान आ गए, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है पंजाब के, बिफोर 1947 फाइनली जो है फैमिली माइग्रेट करके लाहौर चली गई। इनके जो पेरेंट थे रुचि राम साहनी और श्रीमती ईश्वरी देवी आनंद, इनके ये तीसरे बच्चे थे। रुचि राम साहनी एक जो है पायनियर थे साइंस को पॉपुलराइज करने में पंजाब में, और खुद एक सेल्फ मेड मैन थे। वो एक साइंटिस्ट थे, इनोवेटर थे, वो एक एजुकेशनिस्ट थे, पैट्रियट थे, डिवोटेड सोशल वर्कर थे। उनकी जो सोच थी वो काफी इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव आइडियाज लिए हुए होती थी। रुचिराम साहनी जी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 2 साल तक जो है काम किए, फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को ज्वाइन किया और वहीं से एज सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री 1918 में रिटायर हुए। रुचिराम ने जो है बच्चों को इनकरेज किया, यानी अपने बच्चों को इनकरेज किया कि आपका अपना थिंकिंग होना चाहिए, आपका अपना जजमेंट होना चाहिए, आपके अपने आइडियाज होने चाहिए। बिरबल साहनी को पैट्रियटिज्म जो है वो खून में मिला जब पिता से। एजुकेशन की अगर हम बात करें, बिरबल साहनी के एजुकेशन की बात करें तो जो है मिशन स्कूल, सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर में इनकी जो है स्कूलिंग हुई, और आफ्टर द स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ज्वाइन किए, जहां पे उनके पिताजी जो है केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। आफ्टर ग्रेजुएशन 1911 फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी ही प्रोसीडेड टू इंग्लैंड वेर ही एंटर द इमैनुअल कॉलेज एट कैम्ब्रिज, एंड ग्रेजुएशन उन्होंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और इमैनुअल कॉलेज कैम्ब्रिज में जो है उन्होंने एडमिशन लिया। 1913 में साहनी जी ने नेचुरल साइंस ट्रिपॉस के पार्ट वन को कंप्लीट किया, पार्ट टू को उन्होंने 1915 में कंप्लीट किया, और लगभग उसी समय उन्होंने जो है लंदन से बीएससी डिग्री जो है हासिल की। साहनी जी जो है ने रिसर्च जो है स्टार्ट किया अंडर द प्रोफेसर अल्बर्ट चार्ल्स सेबर्ट, जो कि एक बहुत ही वेल फेमस पैलियोबॉटनिस्ट थे। अल्बर्ट चार्ल्स सेवर्ट इंटरनेशनली फेमस पैलियोबॉटनिस्ट। इन 1919 साहनी जी को डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस बीएससी से अवार्ड किया गया लंदन यूनिवर्सिटी में, उनके फॉसिल प्लांट्स के ऊपर रिसर्च को लेकर। उसी दौरान उन्होंने
लार्सन टेक्स्टबुक ऑफ बॉटनी को रिवाइज किया ताकि जो है इंडियन बॉटनी के स्टूडेंट्स को उसका फायदा मिल सके। लार्सन एंड साहनी की जो टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी थी वो जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में जो है सबसे ज्यादा जो है पढ़ाई जाने वाली बुक है। म्यूनिख जर्मनी में वो वर्क किए एज जो है एक वेल नोन मॉर्फोलॉजिस्ट जीबल के साथ और 1919 में वो साहनी जी जो थे वो इंडिया वापस आए। शुरुआत में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है बॉटनी के प्रोफेसर के रूप में वर्क किया। फिर उन्होंने जो है बॉटनी डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है ज्वाइन किया जो कि उसी समय जो है क्रिएट हुई थी और ही वाज द फर्स्ट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी। और अपने डेथ तक 1949 तक वो इस पोस्ट पर बने रहे। उन्होंने जो है जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड के रूप में भी वर्क किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जब साहनी जी ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को संभाला तो उन्होंने जो है इस डिपार्टमेंट को जो है टीचिंग और रिसर्च का एक एक्टिव सेंटर जो है के रूप में डेवलप करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो है पालियो बॉटनी पे वास्ट रेंज में जो है रिसर्च किया और पालियो बॉटनी में ऐसा कोई भी चीज कोई भी फील्ड उन्होंने नहीं छोड़ा जिस पर फर्दर रिसर्च किया जाए। फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो राजमहल हिल्स बिहार के राजमहल हिल्स जो कि आज के समय में झारखंड में गए वहां पे बहुत सारे जो है फॉसिल प्लांट्स के बारे में जो है पता लगाया बताया। उन्होंने फॉसिल जिम्नोस्पर्म की जो है एक कैटेगरी जो है खोजी जिसे पेंटोजाइली के नाम से जाना जाता है। टीलोफाइलम का स्टडी किया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने वॉकलैंडिया टीलोफाइलम और विलियमसोनिया के लीफ स्टेम और फ्लावर को खोजा। ये सारे प्लांट्स जो है वो फॉसिल प्लांट्स हैं। हिज वर्क ऑन द टेक्निक ऑफ कास्टिंग क्वाइंस इन एंशियंट इंडिया सेट अ न्यू स्टैंडर्ड इन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इन इंडिया। उनका जो प्रोजेक्ट था टेक्निक ऑफ कास्टिंग क्वाइंस इन एंशियंट इंडिया वो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के मामले में एक नया स्टैंडर्ड जो है सेट करता है। इसके लिए उन्हें नेल्सन राइट मेडल 1945 में जो है अवार्ड किया गया। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज इन सितंबर 1939 एक कमिटी ऑफ पॉलियोबॉटनिस्ट वर्किंग इन इंडिया वाज फॉर्म। एक कमिटी बनाई गई और साहनी जी उसके कन्वेनर थे। ऑब्जेक्टिव था टू कोऑर्डिनेट द रिसर्च वर्क डन ऑन पैलियोबॉटनी इन इंडिया एंड टू इशू पीरियोडिक रिपोर्ट। द कमिटी ब्रॉट आउट इट्स फर्स्ट रिपोर्ट पैलियोबॉटनी इन इंडिया इन 1943 में कमिटी ने जो है पहला रिपोर्ट दिया।
कमिटी मेंबर्स ने जो है पालियो बॉटनिकल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया 1946 में। 1946 जून 3 को जो है ट्रस्ट क्रिएट किया गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर विथ न्यूक्लियस ऑफ फंड इमोवेबल प्रॉपर्टी लाइब्रेरी एंड फॉसिल कलेक्शन डोनेटेड बाय सानी एंड हिज वाइफ फॉर द प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन पालियोबॉटनी। यानी सानी जी ने अपना इमोवेबल प्रॉपर्टी लाइब्रेरी फॉसिल कलेक्शन पैसा ये सब कुछ जो है ट्रस्ट को जो है डोनेट कर दिया ताकि जो है पालियोबॉटनी के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। सोसाइटी एक्ट के तहत जो फाउंडेशन जो है क्रिएट किया गया, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट क्रिएट किया गया, जिसमें म्यूजियम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, रेजिडेंशियल क्वार्टर, ऑक्सिलरी बिल्डिंग, इंटरनेशनल आउटलुक, ये सारी चीजें होती। 1946 को गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैलियोबॉटनिकल सोसाइटी ने इस इंस्टीट्यूट को जो है एस्टैब्लिश किया और शुरुआत में जो है फंक्शनली जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के एक रूम में चला। सितंबर में जो है 3.5 एकड़ जमीन जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो है इसे दिया 53 यूनिवर्सिटी रोड लखनऊ पे, जहां पे इसकी लार्ज बिल्डिंग जो है बनी। द फाउंडेशन स्टोन जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1943 अप्रैल 3 को रखा। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ सानी 1949 भाई सानी जी की डेथ हो गई थी, गवर्नमेंट बॉडी ने जो है उनकी वाइफ सावित्री सानी को डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट के रूप में जो है ऑथराइज किया और 1949 से लेकर के 1969 तक सावित्री जी ने अपने हस्बैंड के ड्रीम को रियलाइज किया, उसे डेवलप किया बिरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी सोसाइटी या जो है बिरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गया। यानी आज के समय में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है एक इंस्टीट्यूट है। सानी जी को कई सारे अवार्ड्स और प्राइजेस मिले। बार्कले मेडल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल इन 1936, नेल्सन राइट मेडल जो कि ऑलरेडी हमने पीछे बात किया इन 1945, सी आर रेडी नेशनल प्राइज 1947, ही वाज इलेक्टेड ए फेलो ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, he was the vice president of paleobotany section of the 5th and 6th international botanical congress 1930-1935 held at the cambridge and amsterdam. In 1936 he was elected as fellow of the royal society of london, jiska fellow suna jana bahut hi garv aur samman ki baat hua karti thi. He was the first indian botanist to be elected by the royal society. प्रोफेसर सीवर्ड हु प्रपोज सानी नेम, सीवर्ड जिनके अंदर में उन्होंने काम किया था, रोज सानी अफेक्शनेटली ऑन द थर्सडे लास्ट एट ए मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द रॉयल सोसाइटी, योर नेम वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ न्यू फेलोज, इट इज विथ नो ऑर्डिनरी प्लेजर दैट आई सेंड माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन, आई डिड गिव मी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर वेन आई फाउंड द बॉटनिकल कमिटी एग्रीड विथ मी अबाउट योर सेल्फ. May you long enjoy the position which you so thoroughly deserve. ये सीवर्ड ने सानी जी को लिखा। सानी वाज द जनरल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस इन 1940
He was twice the president of National Academy of Sciences Allahabad. दो बार जो है National Academy of Sciences के जो president रहे. Sahni was a founder member of Indian Botanical Society and he also served as its president. Sahni was elected an honorary president of the International Botanical Congress held at Stockholm in 1950. ये चीजें बातें हमने जानी, ये बीरबल सहनी के बारे में जानी. आज के लिए बस इतना ही. फिर कभी हम आएंगे किसी दूसरे इंडियन बायोलॉजिस्ट को लेकर के और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.